जय श्याम श्याम 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 बाबा ने एक ही बाण से इसके लाखों पत्ते बेच दिए थे, जिसके पत्ते आज भी बिधे हुए निकलते हैं। और जो जितने भी यहाँ श्याम प्रेमी आते हैं, झूमे नाचे गाए मस्ती चढ़ती ही जाए, जो देखा सावरे को खो गया। जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम श्याम, दिल झूमे नाचे गाए मस्ती चढ़ती ही जाए, जो देखा सावरे को खो गया। एक पल भी रुक ना पाए, कैसे दिल को समझाए, ये दिल तो सांवरे का हो गया। मैं सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, जो बाबा के दर्शन के लिए सुल्पाना धाम आना चाहते हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा संभाल का, तो आप वहाँ से आए, वहाँ पे आए उतरे और वहाँ से 20 से 30 रुपए ऑटो वाला लेगा और आपको बाबा के मंदिर सुल्पाना धाम पहुँचा देगा। और जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, अगर बस से आ रहे हैं तो भी आप बस अड्डा पे पहुँचे संभाल का, और वहीं से 20 से 30 रुपए लेंगे आपसे और सुल्पाना धाम मंदिर पहुँचा देंगे, बाबा श्याम के मंदिर। आए आप भी दर्शन करें और बाबा से आशीर्वाद लें। जय श्री श्याम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो नहीं जानता सुल्पाना धाम के बारे में उन तक ये वीडियो पहुँचे और बाबा का प्रचार हो और बाबा से आशीर्वाद ले। जय श्री श्याम। और श्याम बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। क्यों इधर उधर तू भटके, मस्ती ले ले तू डटके, संग संग में नाचे गाए मेरा सांवरा। क्यों इधर उधर तू भटके, मस्ती ले ले। हाँ, तो प्रेमियों मैं पहुंच गया हूँ सुखदेव का ढाबा, जो कि यहाँ का मुरथड़ का सबसे फेमस है। अभी मैं बहुत देर से चला हुआ था तो थक गया हूँ मैं, कुछ यहाँ चाय नाश्ता वगैरह करके मैं मिलूँगा आपको बाबा श्याम के मंदिर, जो कि चुलकाना में, जिसके लिए मैं आया हूँ दर्शन के लिए, और आपको भी दर्शन कराऊँगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहला टोल पड़ेगा आपको, इसके बाद आप गन्नौर से भी जा सकते हैं और आगे थोड़ा जाके संभालका से भी जा सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पहुँच गए पहला टोल प्लाजा, ये पड़ता है मुरथल का। पहुँच गया चुलकाना धाम। जैसा कि मैंने आपको अपने पूरे ब्लॉग में बताया था कि मैं आज पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर हमारे श्याम बाबा ने शीश का दान दिया था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, श्याम बाबा श्री कृष्ण को अपना शीश दान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको पूरे मंदिर का व्यू दिखाऊंगा और पूरे मंदिर के अंदर क्या क्या चेंजेज हुआ है वो सब मैं आपको बताऊँगा। जय श्री श्याम। लागी रे शाम धुन लागी, जी ना सकूं तुझे छोड़ के। जी ना सकूं तुझे छोड़ के। जय श्री श्याम। प्रेमी मैं पहुंच गया हूं चुलकाना धाम गेट नंबर 3 पर। अभी मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा और बाबा के दर्शन कराऊंगा। जो यहां के बारे में नहीं जानते उन तक ये वीडियो पहुंचाई जाए, शेयर एंड लाइक करें। जय श्री श्याम। हम मंदिर के अंदर, और मैं बहुत ही दिनों के बाद मंदिर के अंदर आया हूँ। जैसा कि आपको यह रोलिंग दिख रही होंगी, ये सभी श्याम प्रेमियों के लिए लगाई गई हैं, ताकि जो श्याम प्रेमी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और सभी श्याम प्रेमी आराम से और प्यार से दर्शन कर सकें और बाबा का आशीर्वाद लें। ये देखिए, सामने आपको जूते रखने की सुविधा मिल जाएगी, और वो सामने आपको पुराना पीपल का पेड़ नज़र आएगा,
अभी मैं जूम करके दिखाने की इसको कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर मंदिर के अंदर रुकने की व्यवस्था की गई है, जो श्याम प्रेमी थक गए हैं वो बैठ के आराम कर सकें। जैसा कि आपको कुछ श्याम प्रेमी दिखाई दे रहे होंगे, ये दर्शन करके आ गए हैं और बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और कुछ खाना पीना खा रहे हैं अपना। तो आप भी आए मंदिर में, दर्शन करें। जय श्री। नचे लेण दे बन के दीवाना तेरा, आज नचे लेण दे, ओए नचे लेण दे मैनू, आज नचे लेण दे बन के दीवाना तेरा, आज नचे लेण दे, नचे लेण दे मैनू, आज नचे लेण दे बन के दीवाना तेरा, आज नचे लेण दे। जमाना आ गया है, खाटू वाले शाम का जमाना आ गया है, दर पे तुम्हारे ये दीवाना आ गया है, दर पे तुम्हारे ये दीवाना आ गया है, लाखों लाखों झोलियां भरी है मेरे शाम ने, मुझको भी आज थोड़ी झोली भर लेने। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी शाम प्रेमियों को के रुकने के लिए व्यवस्था की गई हुई है, ताकि जो दूर से आ रहे हैं उनको किसी परेशानी ना झेलनी पड़े। उनके रुकने के लिए व्यवस्था मंदिर के अंदर ही की गई हुई है। आप भी आएँ बाबा श्याम के मंदिर चुलकाना धाम में, दर्शन करें, आशीर्वाद लें बाबा से। ये देखिए, चुलकाना धाम के अंदर भी श्याम कुंड बनाया हुआ है, इसके अंदर अभी नहाने की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये श्याम कुंड है चुलकाना धाम के अंदर, और साफ सफाई का काम अभी हो रहा है। ये देखो श्याम प्रेमियों, यही वो पीपल का वृक्ष है जिस पर हमारे श्याम बाबा ने एक ही बाण से इसके लाखों पत्ते बेच दिए थे, जिसके पत्ते आज भी विधे हुए निकलते हैं। और जो जितने भी यहाँ श्याम प्रेमी आते हैं, सभी वृक्ष की पूजा करके मंदिर के अंदर जाते हैं। जय श्री श्याम। मैं पहुंच गया हूं मंदिर के अंदर, जो कि लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, पहले नहीं थी, अभी लगाई गई हैं, क्योंकि यहां बाबा श्याम के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। एकादशी पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये रोलिंग लगाई गई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। किसी भी श्याम प्रेमी को कोई परेशानी ना हो, सभी श्याम प्रेमी यहाँ लाइन में लग के दर्शन करते हैं श्याम बाबा के। जैसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे श्याम बाबा सामने ही विराजमान हैं। ये चुलकाना धाम जहाँ दिया था हमारे श्याम बाबा ने इसका दान, सामने है विराजमान। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैंने आपको इस वीडियो में पूरे चुलकाना धाम के दर्शन कराए हैं, अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। और जो चुलकाना धाम के बारे में नहीं जानते, उन तक तो ये वीडियो पहुंचाया जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए और लाइक करा जाए।